रूस यूक्रेन युद्ध की नई तारीख क्या है, नई सैटेलाइट तस्वीरों से रूस का जंगी प्लान कैसे लीक हुआ, जल थल और नभ में कैसे यूक्रेन की घेराबंदी कर रहा है सुपर पावर रूस, बारूदी मिसाइल से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 जंग की नई डेट। यूक्रेन पर अगले 36 घंटे बहुत भारी हैं। रूस नए वॉर प्लान के तहत बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। माना जा रहा है कि रूस सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करेगा, तो रूस की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर पर भी भीषण गोलाबारी होने की आशंका है। यूक्रेन पर हमला करने का रूस ने नया वॉर प्लान बनाया है। बॉर्डर पर दो तरफ से रूसी सेना आगे बढ़ चुकी है। बेलारूस में पिप्रियात नदी की सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ है कि रूस ने नदी पर नया पुल बना लिया है। उधर क्रीमिया में भी रूसी सेना सामरिक तैनाती कर चुकी है। भूमध्य सागर में रूस की नेवी ने अपनी क्षमता को परखार। रूसी रक्षा मंत्री के सामने नेवी के जवानों ने नीले समंदर में बारूद बिछा दिया। इस वॉर ड्रिल में शामिल होकर रूस की रक्षा मंत्री ने नेवी के जवानों की हौसला अफजाई की और कहा कि रूस की फौज किसी भी जंग को जीत सकती है। रूस लगातार अपनी तैयारियों को विध्वंसक बना रहा है। रूस ने खिमिम एयरबेस पर MiG-31 जेट्स और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बॉम्बर्स TU-22M3 को तैनात कर दिया है। फाइटर जेट्स के जरिए अभ्यास किया जा रहा है। यूक्रेन पर कब्जे का मंसूबा पाले रूस की पीसकीपिंग यूनिट ने भी जंगी इरादे जाहिर कर दिए हैं। समारा क्षेत्र में पीसकीपिंग यूनिट ने जबरदस्त वॉर ड्रिल की। बर्फ में दुश्मन को जवाब देने के लिए बारूदी बिसात बिछाई गई। गोलियों और गोलों की बौछार से पूरा इलाका थर्रा उठा। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक ने आज यूक्रेन की सीमा पर अपने टैंक तैनात करने का ऐलान कर दिया है और डायरेक्ट मैसेज दिया है कि अब उसकी पूरी वफादारी रूस के साथ है। लुहांस्क ने यूक्रेन की सरहदों पर करीब 20 टैंक तैनात करने का फैसला किया है। रणनीति के लिहाज से ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और कहा है कि सेना के पास पूरे सैन्य साजो सामान और गोला बारूद मौजूद है। रूसी आर्मी अलर्ट पर है। ऑर्डर मिलने पर यूक्रेन को करारा जवाब मिलेगा। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूसी रक्षा मंत्री शोइंगू ने सीरिया की राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच यूक्रेन संकट को लेकर बातचीत हुई। रूसी रक्षा मंत्री सीरिया में अपने समकक्ष से मिलने के बाद सीरियाई सेना के वॉर ड्रिल को भी देखने गए। रूस ने सीरिया में अपने बॉम्बर भी तैनात किए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसके सैनिक यूक्रेन बॉर्डर से वापस अपने बेस लौट रहे हैं। रूसी मीडिया द्वारा एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूस के 42वें राइफल डिवीजन के साथ रूसी टैंक क्रीमिया पुल पार करते दिख रहे हैं। ट्रेन के जरिए T-72 टैंक और होविट्सर को आर्मी बेस पहुंचाया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।